दोस्तों, मैं हूं बख्त नवाज और आप देख रहे हैं बख्त टेक्निकल चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगा सीरीज बोर्ड और डायरेक्ट बोर्ड। सीरीज और डायरेक्ट बोर्ड ये उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूं जो इलेक्ट्रिक अशिया घर पे खुद ठीक करना चाहते हैं। तो ये तीन होल का बोर्ड है और इसमें ये होल्डर है और ये दो अदद साकट हैं। अब इसका हम वायरिंग करेंगे। तो दोस्तों, वायरिंग करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले इसके स्क्रू नट खोल देते हैं। और इसके लिए दो अदद वायर काट लेते हैं। वायर को एक चाकू के साथ छील लेंगे, साफ करेंगे। अब इन स्क्रू को खोलेंगे। और एक तार इसमें हम डालेंगे। इस तरह ये दूसरा बोलेंगे और इसमें भी एक तार डालेंगे और अब इस तार को दरमियान में काटेंगे क्योंकि इसके स्क्रू बोर्ड में फिर नहीं खुल सकते। लिहाजा अब इसको हम इसमें लगाएंगे और बाद में इसके नट जो है वो फिट करेंगे। नट को अच्छी तरह टाइट करेंगे ताकि लूज ना हो। अब हम साकट के नट खोलेंगे। और साथ में इसके लगाएंगे और इसका भी इसी तरह टेट करेंगे नट। नट टेट करने के बाद
तीसरा भी लगाएंगे, लेकिन इसमें भी स्क्रू साइड पे हैं तो लिहाजा इसमें पहले तार लगाएंगे, फिर आगे सेट करेंगे। दोस्तों अब इसके हम कनेक्शन करेंगे। तार दोबारा लगाने के बाद अब इसको हम साथ वाली साकट में लगाएंगे। साकट लगाने के बाद तार को हम काटेंगे। इजाफी तार काट लिया, अब दूसरी साकट को हम लगाएंगे। अब ये साकट हम लगाएंगे। और इसके साथ ये लीड भी लगाएंगे। लीड का एक साइड जो है ये भी लगाएंगे।
इसको अच्छी तरह टाइट करेंगे ताकि लूज़ ना हो, और इस तरह अब एक टोटा काटेंगे जो दूसरी साइड का हो। अब इसमें ये साइड में लगाएंगे, इसको अच्छी तरह टाइट करेंगे। अब इसको बाहर से जो लीड है इसका ये दूसरा कनेक्शन जो है अब हम इसके साथ जोड़ेंगे, और इस सॉकेट में इस जगह पे लगाएंगे। और अब इसको अच्छी तरह टाइट करेंगे। इसको लगाने के बाद अब इसको यहाँ पे सेट करेंगे। इसमें ये स्क्रू लगाएंगे, पेचकस की मदद से इसको टाइट करेंगे। अब इस तरह दूसरा साइड भी लगाएंगे। अब इस दूसरे साइड की स्क्रू भी लगाएंगे। पहले वाले स्क्रू को ज़रा लूज करेंगे ताकि ये भी अच्छी तरह घूम सके, और इस तरह इसको भी टाइट करेंगे। इसी तरह इसको भी टाइट करेंगे। अच्छी तरह टाइट करने के बाद दोस्तों ये आपका सीरीज बोर्ड जो है तैयार हो गया। अब इसको हम चेक करेंगे। ये 100 वाट का बल्ब है। अब इसमें हम लगाएंगे और ये शो जो है 220 में लगाएंगे। शो 220 में लगा लिया। अब इसको एक तार की मदद से टेस्ट करेंगे आया सीरीज ठीक है कि नहीं। ये सीरीज बिल्कुल ठीक है, और इस तरह
डायरेक्ट बोर्ड जो है, डायरेक्ट बोर्ड जो है उसको भी हम चेक करेंगे। तो साथ में ये डायरेक्ट सॉकेट है, इसको भी हमने चेक किया। और ये सीरीज है, इसको भी हमने चेक किया। अब एक सीरीज लीड की ज़रूरत है, जिससे हम, ये एक मोटर है, इसके लिए कॉइल है, ये हम चेक करेंगे। सॉरी, सीरीज लीड, पहले सीरीज लीड चेक करेंगे। ऊपर से तार हिला हुआ है, सीरीज लीड का तार हिला हुआ था। अब इसको हम चेक करेंगे। ये कॉइल है, इसको इस तरीके से चेक किया जाता है। और ये जूसर का एक मोटर है, इसका दूसरा कॉइल है, इसको आप बिला खौफ चेक कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज़ में आधा करंट जो है मोटर को जाता है और आधा करंट जो है बल्ब की तरफ जाता है, तो इसलिए इसे सीरीज बोर्ड कहा जाता है। देखें, ये उन अफराद के लिए हैं जो घर पे काम करने का शौक़ रखते हों, घर पे काम करने का शौक़ रखता हों और डर इस बात की हो कि करंट लग जाएगा बिजली से, डरता हो कि करंट लग जाएगा, तो इसकी मदद से आप हर चीज़ चेक कर सकते हैं। ये सीरीज बोर्ड है, तो ये इसका, फिर समझाता हूँ, ये इसका लीड है, यहाँ से यहाँ तक। ये यहाँ पे एक सॉकेट में न्यूट्रल का तार जो है, ये ब्लू कलर का एक सॉकेट में न्यूट्रल का तार इसमें लगाया हुआ है और दूसरा इसमें, और साथ में ये लीड का कनेक्शन भी लगाया हुआ है, जो लीड का तार है। और इस तरह ये तार और ये तार जो है गर्म तार है, और ये दोनों एक दो सॉकेटों में एक एक सुराख में जो लगाया हुआ है। और ये यहाँ ये न्यूट्रल तार है, यहाँ से इस सॉकेट में लगा हुआ है, और साथ में होल्डर के एक सुराख में जो है उसमें लगाया हुआ है। और ये सॉकेट और होल्डर का सुराख जो है, इस इन दोनों में ये तार एक जंपर के थ्रू पे लगाया हुआ है। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।